अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं 9। मैं सुबह जागी थी 6 बजे। तो उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो के फिर बनाया नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद गई थी मैं दूध पहुँचाने। अभी आ रही हूँ दूध पहुँचा के वापस। ज़्यादा समय मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि लेट हो रहा था। और दूध बोलता कह रही हूँ वापस अभी घर। तो ये लाए मैंने मंच वाले चॉकलेट अपने बच्चों के लिए, क्योंकि घर जाते हुए उन्होंने मांगना है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है। धूप अभी तो इतनी तेज़ नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो मेरे बाल, अभी तक मैंने कंघी भी नहीं किए, बस ऐसे ही फोल्ड कर दिए थे। मिलते घर पहुँच गए। घर जाते जाते मैंने सोचा आपको मैं सुबह का व्यू दिखा लूं। कुछ नींद सी है। हर जगह ना सुस्ती सी हो रही है। नहाया भी है उसके बावजूद भी लग रहा है कि सो जाऊं। असल में नींद ऐसे आ रही है कि रात को बिस्तर में चले गया था एक कीड़ा, जिसको हम बोलते हैं बिच्छू, और उसने काट दिया मेरे हस्बैंड को। तो इसलिए हमें पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे डर लगा उसके बाद, और उनको भी दर्द हो रहा था। तो सुबह भी जल्दी उठ गई थी और इसलिए अभी आ रही है मुझे काफ़ी सारी नींद। तो मैं पहुंच गई हूँ अभी घर और मैं आपको कुछ दिखाना। ये देखो हमारा मकान हो चुका है क्रैक। ये देखो, ये जो हमारी यहाँ पे ज़मीन है ये हर बारिश में हिलती रहती है। और ये देखो हमारा मकान हो चुका है काफ़ी क्रैक इस साइड से। और ये देखो, वो देखो कितनी दरार पड़ चुकी है, फट चुका है मकान। तो काफ़ी डर लगता है जब बारिश। हाँ, अभी आगे मैं घर घर आने के बाद मैंने किया नाश्ता। नाश्ता करके बैठे हम बाहर और ये देखो जैसे भूत। सलाम करो। सलाम अलैकुम, कैसे हो? कैसे हो? और ये है एक और नन्ना मुन्ना सा आदमी, कहाँ से घुस रहा है। हाय करो, हाय करो इमरान, हाय करो। हाय, ये बोल रहा है मम्मा मम्मा, और इसने फर्स्ट टाइम मम्मा ही बोला है। फर्स्ट वर्ड इसका मम्मा है। और इस भूत ने बोला था फर्स्ट में पापा। अब मैं लगी हूँ सफाई करने। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा गंद डाल रखा है और बर्तन वगैरह धोने हैं सारा काम करके। फिर उसके बाद ये देखो बच्चों ने कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिया है, गंद डाल दिया सारा सामान उल्टा सीधा करके। और ये बिठा दिए मैंने दोनों खिड़की में। ये खिड़की में काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और दोनों खेलते हैं। तो मिलते हैं सफाई करने के बाद। सफाई छोड़ना पड़ी आधे रास्ते में। रोज़ की तरह मम्मी के साथ आना पड़ा जंगल, क्योंकि रोज़ उन्हें बकरियां आधे रास्ते तक लेने की हेल्प करना पड़ती है, वरना वो बिखर जाती हैं। और मक्की वगैरह बिजी होती है, जो कि वो मक्की वगैरह में चले जाती हैं। तो अभी जा रहे हैं वापस, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी होती है। आज सुबह से ही आपको व्लॉग में दिखेगा काफ़ी सुस्ती सी पड़ी। और ये देखो इसे, ये रोज़ आ जाती है मेरे पीछे। और जब वापस चलने की बारी आती है तो ये काफ़ी थक जाती है और फिर बोलती है कि उमरान को छोड़ दो नीचे, मुझे उठाओ गोदी में। और मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैंने उमरान बांधा है पीठ पे। मैं खुद बहुत थक चुकी हूँ। तो ये अब रूठ गई है, तो इसको चाहिए
ये दाने ये देखो, ये खाती है रोज यहाँ के वाले दाने। ये हमारे अखरोट का पेड़ काफी अच्छा, बहुत अच्छा साया होता है इसके नीचे। वो मुझे काफी काफी बोलने की बहुत ही गंदी आदत है। तो ये देखो, ये हमारे हो रहे अखरोट तैयार। अभी कुछ दिनों बाद ये तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। ये देखो, और अखरोट के पेड़ के नीचे जब बैठना हो तो बहुत अच्छा साया होता है, वो ठंडा ठंडा। हेलो, इसको भी चाहिए अखरोट। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर, बहुत थक गए। देखो, पापा ने छत से पाइप लाई है और दीवार में से छेद करके अंदर भैंसों के लिए ड्रम लगाया है और ड्रम भर के पानी रखते हैं, क्योंकि 3-4 भैंसें बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमारे घर के सामने काफ़ी सारा बाग है। ये देखो कितने पेड़ हैं, सेम ऐसा लगता है कि जैसे किसी जंगल में घुस गए। ये रहा बाथरूम, तो ये देखो ये हमारी प्यारी सी मुर्गी, इसके 3 बच्चे। इसके तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे, 10-12 बच्चे थे, सारे मर चुके और कुछ कौवा ले गया के बावजूद बचे ये 3। और अब इनको हम अंदर बंद कर देते। मुर्गी कर दी हमने बच्चों के साथ बंद, और आज का ब्लॉग करते हैं यही ख़त्म। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे उम्मीद भी है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बाय, अल्लाह।